सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सलीम मलिक साहब का, जिन्होंने इतने अच्छे प्रोग्राम का सोचा और उसे करके दिखाया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसलाबाद की यूनियन की काबीना के मेम्बरान का, जिन्होंने इतनी मेहनत से इस पूरे प्रोग्राम को तैयार किया और उसको सजाया। फिर मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा फैसलाबाद के तमाम रिटेलर का, जिन्होंने अपना भरपूर साथ दिया इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा मोहतरम आसिफ रफी साहब का, सदर आल पाकिस्तान टेलीकॉम रिटेलर एसोसिएशन, और तमाम वो लोग जो दूसरे शहरों से अपना बिजनेस अपना कारोबार छोड़कर इस फंक्शन की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए रौनक बढ़ाने के लिए यहाँ मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ अपने मेरे समेत। सबसे पहले मैं आप साहब की खिदमत में एक छोटी सी नज़म पेश करना चाहता हूँ, कल ही लिखी है मैंने इस फंक्शन के वाले से। हमारे दर्द सांझे हैं, हमारे ख्वाब सांझे हैं, हमारे दर्द सांझे हैं, हमारे ख्वाब सांझे हैं, हमारी हीर कैली काम और हम इसके रांझे हैं। हमारे दर्द सांझे हैं, हमारे ख्वाब सांझे हैं, हमारी हीर टैली काम और हम इसके रांझे हैं। इस अपनी हीर के पीछे हम कितने ख्वार होते हैं, इस अपनी हीर के पीछे हम कितने ख्वार होते हैं, न दिन को चैन है और हम न रात पूरा रातों को सोते हैं। कम अज कम 14 से 16 घंटे हम दुकान पे करते हैं, सोना कब है। अगला शेर है जी, सुबह से रात तक हम सारे मेहनत सख्त करते हैं, सुबह से रात तक हम सारे मेहनत सख्त करते हैं, नफा देने को ना जाने क्यों वो लोग डरते हैं। रकम अपनी दुकान अपनी मुनाफा बीज हो अपना, रकम अपनी दुकान अपनी मुनाफा बीज हो अपना, कभी हम भी अमीर होंगे हमारा भी है ये सपना। जबरदस्त, कभी हैकर कभी एफआई वाले लूटते हमको, कभी हैकर कभी एफआई वाले लूटते हमको, हमें कमजोर समझकर बेधड़क है लूटते हमको। हमें इतना तो मिल जाए कि जिससे बच्चे हम पालें, हमें इतना तो मिल जाए कि जिससे बच्चे हम पालें, चलो मुर्गा ना गोश्त हो हमें मिल जाए बस डालें। आप सबके लिए अर्ज है, कोई जेलम कोई मुल्तान कोई सिंध से आया है, कोई जेलम कोई मुल्तान तो कोई सिंध से आया है, बहुत मशहूर फैसलाबाद के जिसने बुलाया है। अभी है वक्त सब हो जाओ मुतहिद एक हो जाओ, अभी है वक्त सब मुतहिद हो जाओ, सब हो जाओ मुतहिद एक हो जाओ, तुम्हारा छीन लेंगे सब जरा तुम इनसे बच जाओ। तुम्हारे रानमा मुखलस है तुमसे, बात सच है ये, तुम्हारे रानमा मुखलस है तुमसे, बात सच है बात सच्ची है, खड़े हो जाओ इनके साथ यही बात अच्छी है। जो अपना हक नहीं लेता वो बुद्धिल है जमानों में, जो अपना हक नहीं लेता वो बुद्धिल है जमानों में, नहीं वो मरते माँ मरते म्यादा वो तो शामिल है जनानों में। जो अपना हक नहीं लेता वो बुद्धिल है जमानों में, नहीं वो मरते माँ म्यादा वो तो शामिल है जनानों में। यही है इल्तजा, यही तो इल्तजा करता है तुमसे रियाज ऐ प्यारो, यही तो इल्तजा करता है तुमसे रियाज ऐ प्यारो, अगर मुतहिद ना हो पाए तो के ख्वार तुम यारो। अब मैं जो मेरा असल मौजूद था बाइक इसका जो हमारे कौन ब्लॉक कर रहे हैं उसकी बाइक आर्ट का, तो बाइक आर्ट के बारे से मैं इतना कहना चाहूंगा, किसी भी काम का बाइक आर्ट करना हड़ताल करना स्ट्राइक करना आखिरी ऑप्शन होता है, और आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल तब किया जाता है जब और कोई रास्ता बाकी ना हो, यानी उसके बाद हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, या आर या पार, उसके अलावा कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं होता।
तो अभी ताजा तीन जो सूरत हाल है वो ये कहना चाहूँगा कि कल लाहौर के सब्जादार के सदर जनाब आफज आरफ साहब ने मेरे बार बार कहने पर उन्होंने तारिक दुरानी आरबीएच लाहौर से फोन पर रब्ता किया है। उन्होंने कहा कि हमारे अकाउंट बंद हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, हमें टाइम से मुलाकात का। तो आरफ दुरानी तारिक दुरानी ने उन्होंने कहा है कि मैं सब देखता हूँ अपने DSM, लेकिन मैं आपको मुलाकात अब जो अपने बैंकिंग ऑफिशियल है उनसे आपकी मुलाकात करा दूंगा ताकि आप अपना मसला कॉल कर सकें। अभी इंशाल्लाह उम्मीद है कि सोमवार को या मंगल को उनकी मुलाकात होगी लाहौर यूनियन के नुमाइंदों की तारिक दुरानी से और बैंकिंग वालों से, फिर देखते हैं कि उठ किस करवट बैठता है। फिर उसके मुताबिक हमने और हमारी यूनियन ने और सदर साहब से हम रिक्वेस्ट करेंगे हमने क्या फैसला करना, हमने इनके पीछे चलना है। अगर हमें कहेंगे कि ब्लॉक कर दो सब कुछ, हम सबको ब्लॉक कर देंगे, लेकिन उसके लिए आपका साथ चाहिए। कच्चा हाथ कभी नहीं डालना, कच्चा हाथ जो नुकसान देगा आपको, आप समझे कि आपने वो बहुत बुरा अपने लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मार ली है। जब तक आप मुतहद नहीं हो जाते, इकट्ठे नहीं हो जाते, एक जान नहीं हो जाते, ये उंगली के लिए इसको तोड़ लो मरोड़ लो मर जाएगी, ये मुक्का बांध गया जामे लगाकर डैन डाल देगा। मुक्का बनो, उंगली बनो, मुक्का बनो, सातों यूनियन का, सातवां सुरभि साहब का, सातों सीम मलक का, सातों अपने सदूर का, सातों अपने यूनियन का। जब आप मुतहद होंगे तो इकट्ठे होंगे तो दुनिया की कोई ताकत आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। आप अपना हक लेंगे और लोग आपके पीछे आएंगे, जो खुदा के लिए हमारे पास हो अपनी बात, तो मसला क्या आपको उसके लिए क्या है। जब आप बाइक कार्ड करेंगे तो बाइक कार्ड मुकम्मल, अगर आपने जहाज का करना तो मुकम्मल बाइक कार्ड करना, बाकी अपना काम करता रहे। एक कंपनी को टारगेट करो, उसका काम रोको, बाकी अपना काम अपनी रोजी ना बंद करो, अपना काम करते रहो। सिर्फ एक कंपनी को टारगेट करो, उसका काम रोक लो, फिर उसको पता चलेगा कि हमारे करोड़ों रुपये वो कहाँ से आ रहे हो, किधर जा रहे हैं। उनको 24 घंटे में नानी नजर याद आ जाएगी। आप हौसला करके देखिए, लोड बंद करें, कार्ड बंद करें, छिन्ने बंद करें और उसका इसी पास जांच कैश बंद करें। 24 घंटे के अंदर अंदर उनके नाम पे चाल के आपके पास आए, मुझे क्या जिंदाबाद, जिंदाबाद रफी साहब, जिंदाबाद सलीम साहब, जिंदाबाद हबीबुल्लाह सिद्धू साहब, जिंदाबाद हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। तो ये जो यूनियन साजी का पौधा सलीम मलिक साहब ने पूरे पाकिस्तान में फैलाया है, आज वो माशाल्लाह तनाव ट्रस्ट बन चुका है और जिसकी सप्लाई आप पौधर मासम रफी साहब कर रहे हो बड़ी दिलेरी से कर रहे हैं। माशाल्लाह ये लाहौर भी गए हैं, फैसलाबाद इस्लामाबाद भी गए हैं, वहाँ पर जाकर उन्होंने बातें की हैं, सारी बात की है, लेकिन अल्लकड़ी कोरोना ने हमारा काम रोक लिया है। लेकिन अब फिर ये दोबारा कोशिश कर रहे हैं कि हम दोबारा उनसे टाइम लें और अपने मसाइल को हल करने की कोशिश करें जितना हो सकते हैं। तो मेरी बाकी जो दूसरा वो तो हल करेंगे करेंगे, लेकिन सबसे हमारे जो असल मतलब मसाइल होते हैं वो लोकल होते हैं, मुकामी मसाइल, जो हमें फ्रेंचाइज धमकी देते हैं, दोस्त देते हैं, दादी देते हैं, सिम बंद करते हैं, डिवाइस करते हैं, उसके लिए अपनी मुकामी यूनियन का साथ दो। मुकामी यूनियन आपका मसाइल हल तब करेगी जब आप उसका साथ देंगे। जब आपके मुकामी मसाइल हल हो जाएंगे, छोटे छोटे मसाइल, सिम बंद होगी, डिवाइस उठा ली, लोड रोक लिया, फ्रांच रोक ली, ये तब होंगे जब आप यूनियन का साथ देंगे। आप इनको ये साथ यूनियन को दें, बड़ा काम वो करेंगे रफी साहब। तो आखिर में मैं अपनी तरफ से सलीम मलिक साहब के लिए छोटा तोहफा लेके आया हूं। वो तोहफा मैं देने के लिए मैं दावत दूंगा, पहले मैं आपको तोहफा दिखा दूं, उसकी चंद बातें कर लूं। एक सिंबल है, एक निशान है, हिम्मत का निशान है, जुर्रत का निशान है, जवान मर्दी का निशान है, हौसलों का निशान है, आगे बढ़ के काम करने का निशान है, अपने हक के लिए लड़ने का, और निशान है आप किसी के सामने आंखों आंखें डाल के बात करने का। इसको वक्त देने के लिए मैं दावत दूंगा जनाब मोहतरम सदर आज पाकिस्तान आसिफ रफी साहब और सरपरस्ती आला जावेद भट्ट साहब को, मेरे साथ आए और सलीम मलिक साहब को ये तोहफा दें।